हेलो बच्चों मार्क एकेडमी पाप आपका बहुत बहुत स्वागत है आपको इस वीडियो में हम क्लास चैप्टर फोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इन टेक्स्ट और एक्साइज क्वेश्चन समझाएंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सॉल्यूशन को सबसे पहले स्क्रीन पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैनॉल रेज कैनॉल रेज क्या होती है बच्चों ये हमारे पास प्रश्न है तो कैनॉल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज

तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि कैनोल रोज पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन होते हैं ये प्रोटॉन्स की बनी होती है और इसको ई गोल्ड स्टिन ने 1886 में पहली बार देखा था ठीक है अब दूसरा क्वेश्चन है इफ एन एटम कंडेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटोन विल इट कैरी एनी चार्ज ऑन और नॉट देखो अगर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहे हैं हम एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो क्या इस पे कोई चार्ज होगा इस पे कोई चार्ज नहीं होगा बच्चों क्योंकि एक माइनस का चार्ज है और एक ही प्लस का चार्ज है तो ये चार्ज इस पे जीरो हो जाएगा ठीक है इस पे विल इट विल नॉट हैव एनी चार्ज ऑन इट ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो गया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन इलेक्ट्रॉन जब सेम होंगे तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे और एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है ठीक है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ ये बच्चों जो पेज नंबर है फोर्टी नाइन पर है ठीक है ये क्वेश्चन आपके एनसीआर बुक में पेज नंबर पर है ऑन द बेसिस ऑफ थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज एस होल तो एज ए होल न्यूट्रल क्यों होता है तो थॉमसन के मॉडल ने क्या कहा था वो आप पहले सुन लीजिए अकॉर्डिंग टू थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम एन एटम कंसिस्ट ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इन दॉजिटिवली चार्ज स्फीयर दीज नेगेटिवली एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड दस दे बाय काउंटर बैलेंसिंग इज दस इफेक्ट मेक एटम न्यूट्रल ठीक है तो इस बात को मैं आपको लिख के भी बता देता हूं तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मॉडल जो थॉमसन का मॉडल था उसके अकॉर्डिंग जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज ठीक है और चार्ज स्पेयर का बना होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें इमेडेड होते हैं यानी उसमें धसे होते हैं दोनों बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में और वो एटम को न्यूट्रल बनाता है तो ये अकॉर्डिंग टू थोमस मॉडल था बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ रदर फोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटोमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम यहां पर रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग कौन सा सब एटोमिक पार्टिकल उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट था तो बच्चों रदरफोर्ड ने बोला था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग था ठीक है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन प्रेजेंट था जो पॉजिटिव चार्ज होता है बाद में फिर यह भी मालूम चला उसके अंदर न्यूट्रॉन भी है क्योंकि पूरा मास भी उसी न्यूक्लियस के अंदर लगभग लगभग आइटम का पूरा मास न्यूक्लियस में होता है तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट थे जो कि प्रोटॉन्स थे ठीक है तो ये भी कंप्लीट हो गया अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है ये ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ थ्री सेल्स बोर का जो मॉडल था उसका स्केच यानी ड्राइंग करना है तीन सेल्स जिसमें दिखाने हैं तो बच्चों आप सबसे पहले एक न्यूक्लियस बनाएंगे सबसे पहले सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा ठीक है और फिर इसके अराउंड हम इसके तीन एनर्जी लेवल्स बना देंगे जिसे हम सेल्स कहते हैं ये के हो गया एल एम ये तीन एनर्जी लेवल्स हो गए आपका ये सेंटर में न्यूक्लियस हो गया और ये आपका के सेल हो गया एल और एम ठीक है ये सेल्स हो गए सेल एल सेल और एम सेल तो ये आपका जो बोर का जो मॉडल था कुछ इसी तरह का था बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड अगर गोल्ड के अलावा किसी और मेटल से अगर ये अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट होता तो क्या होता देखो ऑब्जर्वेशन तो सेम होती ठीक है क्योंकि सभी एटम में ही एक ही तरह का स्ट्रक्चर रहता है कि सेंटर जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है बहुत छोटी जगह पे होता है उसमें पूरा मास और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है बट uh, पता क्या होता प्रॉब्लम होती तो सिर्फ ऑयल को पतला बनाने की है ना तो यही बस इसका आंसर है कि ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे हाँ बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मेकिंग अ फॉइल अदर देन गोल्ड एज थिन एज पॉसिबल है ना जितना थिन वो बना सकते थे गोल्ड से उतना थिन किसी और मेटल से नहीं बना सकते थे तो चलो आप इसको रिटर्न में देख लीजिए तो ठीक है इसका आंसर क्या रहेगा? तो उसी तरह के ऑब्जर्वेशन होंगे जैसा कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल के साथर फोर ने देखा था ठीक है ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो हल्के से डिफ्लेक्शन से जाएंगे और 12000 में से एक जैसे उसमें एक सौ अस्सी डिग्री के साथ रिटर्न हो आ रहा था कुछ इसमें भी ऐसा ही होगा बट वही है कि थिन फॉइल वेरी थिन फॉइल जो रदर फोल्ड ने बनाया था एक हजार एटम जितने थे वो बनाना मुश्किल हो जाएगा अदर मेटल्स के साथ क्योंकि गोल्ड जो है सबसे ज्यादा मैलेबल और डक्टाइल मेटल है ठीक है अब हमारे पास क्वेश्चन है नेम द थ्री सब एटोमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम एटम के सब एटोमिक पार्टिकल्स कौन से भैया एटम के अंदर तीन सब एटोमिक पार्टिकल होते हैं आपको पहले ही बता चुके हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉन ठीक है एक तो इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर बिस्किट ऑर्बिट में चक्कर लगाता है दूसरा प्रोटोन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है और तीसरा न्यूट्रॉन होता है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और उस पर कोई चार्ज नहीं होता ठीक है ये तीनों सब एटोमिक पार्टिकल हो गए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हिलियम एटम हैज एन एटोमिक मास ऑफ यू एंड टू प्रोटोन इन इट्स न्यूक्लियस हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट है मास दिया हुआ है तो एटॉमिक मास जो बनता है ना वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है तो ये आपका फोर यू है ठीक है और साथ में ये बताया हुआ है कि टू प्रोटोन है तो एन प्लस टू इज इक्वल टू फोर तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो हाउ मेनी का आंसर क्या होगा टू टू न्यूट्रॉन्स इट विल हैव ठीक है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड सोडियम एटम कार्बन और सोडियम एटम में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कार्बन जो है बच्चों इसका एटॉमिक नंबर सिक्स है ठीक है तो इसमें सिक्स प्रोटोन होंगे और सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे तो पहले वाले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में चार आते हैं कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको यह समझाया हुआ है अब सोडियम का जो एटोमिक नंबर है वो इलेवन है तो उसके पहले ऑर्बिट में दो आएंगे दूसरे में आठ आएंगे और तीसरे में एक आएगा यानी आउटर ऑर्बिट में कार्बन के चार प्रेजेंट है और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ के एंड एल सेल्स ऑफ एन एटम आर फुल के सेल यानी पहला सेल उसमें दो होते हैं एल सेल उसमें आठ होते हैं ये दोनों फुल हैं। देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम तो टोटल तो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया दो प्लस आठ दस क्योंकि तो पहले सेल में मैक्सिमम दो आ सकते हैं दूसरे में मैक्सिमम आठ आ सकते हैं तो आठ दो दस तो जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज ठीक है अब हमारे पास प्रश्न है हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम एटम अब हमें वैलेंसी के लिए इनका एटॉमिक नंबर तो मालूम होना ही चाहिए जैसे क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा टू एट सेवन ठीक है इसके आउटर सेल में सात इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी एक हो जाएगी क्योंकि आठ पूरा करने के लिए सल्फर एटॉमिक नंबर सिक्सटीन होता है तो पहले ऑर्बिट में दो फिर दूसरे में आठ और तीसरे में छ इसकी वैलेंसी दो बन जाएगी क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट में दो है दो और छह जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा और मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर बारह होता है बच्चों तो पहले ऑर्बिट में दो दूसरे में आठ और तीसरे में दो तो ये दो लूज कर देगा तो इसकी वैलेंसी भी दो हो जाएगी तो ये जो सल्फर की जो वैलेंसी है वो भी दो है क्योंकि दो और छह जोड़ेंगे आठ हो जाएगा और मैग्नीशियम की दो है क्योंकि दो रिमूव करते हैं इसका आउटर ऑर्बिट में आठ आ जाएगा जो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और क्लोरीन के क्योंकि आउटर में सात है तो इसको आठ पूरा करने के लिए एक लेना होगा तो इन दोनों को जोड़कर आठ बन जाएगा यानी ये दो जोड़कर आठ बन जाएंगे ये वन और सेवन जोड़कर आठ बन जाएंगे और ये लूज करके आठ बन जाएगा ठीक है ये इनकी वैलेंसी हो जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास

ऑक्सीजन का मास नंबर मास नंबर में दो बातें आती हैं बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ठीक है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों आता है तो इसमें टेबल में आप देखिए ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन भी आठ होता है प्रोटॉन भी आठ होता है तो इसका मास नंबर सिक्सटीन हो जाएगा ठीक है और जो इसमें सल्फर uh, है सल्फर में भी वही मास नंबर सेम उसी मेथड से आएगा तो इसमें मास नंबर जो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 तो 32 हो जाएगा इसका मास नंबर ठीक है तो मास नंबर 32 और 16 हो गया ऑक्सीजन और सल्फर के अब अगला प्रश्न कहता है कि ये 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 जो तीन सिंबल है, ये ये प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्रीटियम ये हाइड्रोजन के बच्चों आइसोटोप है तो इनमें जो सब एटोमिक पार्टिकल है वो कितने कितने होते हैं ये हमें बताना है ठीक है तो देखो सब सबोटोमिक पार्टिकल मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है यानी प्रोटियम में एक ही प्रोटोन होता है न्यूट्रॉन जीरो होते हैं तभी तो इसका जो मास नंबर एक होता है बच्चों ड्यूटीरियम में इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा ठीक है थीके? और प्रोटॉन भी एक ही रहेगा और एक ही इसमें न्यूट्रॉन रहेगा इसलिए इसका मास नंबर दो हो जाता है ट्रेटियम में इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा प्रोटॉन भी एक ही रहेगा और न्यूट्रॉन दो हो जाएंगे इसलिए इसका मास नंबर तीन हो जाता है बच्चों ठीक है तो ये तीनों बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए अब नेक्स्ट प्रश्न आता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटॉप एंड आइसोबार्स आइसोबार का और आइसोटॉप के किसी एक पेयर का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन लिखना है तो चलो आइसोटॉप की बात अगर हम करें तो कार्बन का आपको पता है ट्वेल्व होता है एक कार्बन का फोर्टीन होता है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे तो ट्वेल्व का क्या हो जाएगा टू ठीक है और ये फोर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इस कार्बन ट्वेल्व इसका भी यही रहेगा टू और फोर तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा अगर हम बात आइसोटोप्स की करते हैं तो ठीक है अब आइसो बार की अगर करें तो उसमें आपको याद है एग्जाम्पल में आर्गन होता है एटीन और फोर्टी और दूसरा आर्गन सॉरी दूसरा था कैल्सियम कैल्सियम केल, जो था वो आपका ट्वेंटी और फोर्टी था अब इसका जो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे दोनों आइसो बार है जिनका मास नंबर सेम होता है और अटोमिक नंबर अलग अलग होता है उसे हम आइसोबार कहते हैं ठीक है थीके? और जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मास नंबर अलग अलग होता उन्हें है उन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो टू आठ आठ हो जाएगा कैल्शियम का करेंगे तो दो आठ आठ दो तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ जो बात नोट करने की है वो ये है कि आइसोटॉप्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन होता है सेम होता है इसका मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी और ये आइसोबार्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगुरेशन अलग अलग है इसलिए इससे ये पता चलता है कि जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग होंगी अब हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है ये यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज बतानी है तो देखो बच्चों हम प्रॉपर्टीज चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम इनके चार्ज की बात करें इसमें माइनस वन चार्ज होता है इसपे प्लस वन चार्ज होता है इस इसपे चार्ज जीरो होता है यानी कि चार्ज नहीं होता ठीक है अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में अगर हम इसके मास की बात करें तो इसका मास नेग्लेजिबल होता है ठीक है नेग्लेजिबल मान लेते हैं इसको प्रोटॉन के मास का वन पॉइंट टू थाउजेंड टाइम्स होता है इसलिए नेग्लेजिबल इस पे एक यूनिट का मास होता है और इस पे भी एक यूनिट का होता है इसमें आपको बच्चों सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है प्लस का मास में और और प्रॉपर्टीज में आप चार्ज हो गया मास हो गया लोकेशन में अगर हम बात करें तो ये ऑर्बिट में ऑर्बिट में ये पाया जाता है ठीक तो है लोकेशन जो है ये डिस्क्रीट ऑर्बिट में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ठीक है तो ये इनके जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चार्जेस के बारे में है इनके मास के बारे में है और इनके जो है लोकेशन के बारे में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम तो थॉमसन के मॉडल के जब उसमें लिमिटेशन क्या थी तो वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है हमने वीडियो में बताया कि थॉमसन ने बताया था कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन इम्पेडेड होते हैं लेकिन इस बात को प्रैक्टिकल जब एक्सपेरिमेंट हुए तो ये प्रूफ नहीं किया जा सका और यही उनकी लिमिटेशन मानी गई कि एज एटम होल न्यूट्रल होता है ये बात इनके मॉडल से प्रूफ नहीं हो पा रहा था तो यहां पर हमें थॉमसन का मॉडल का जो लिमिटेशन था वो यहाँ पे आपको बता दिया है मैंने कि थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्जेयर का बना होता है ठीक है ये मॉडल में उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इम्बेडेड होते हैं लेकिन बाद में पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं ये उनका एक तरह से आ, लिमिटेशन हो गया उनके मॉडल से प्रूफ नहीं हो पाया कि एटम जो एज ए होल न्यूट्रल कैसे होता है क्योंकि चार्ज फिर ज्यादा लग रहा था और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर इम्बेडेड थे यानी वो कम लग रहे थे ठीक है तो इलेक्ट्रॉन कम लग रहे थे और चार्ज फिर ज्यादा लग रहा था तो वैसे भी प्रैक्टिकली उसको प्रूव करना मुश्किल था और दूसरा बाद में ये भी पता चला था जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का राउंड चक्कर लगाते हैं फिर रदरफोर्ड को भी ठीक किया था बोर ने की वो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनका एक डिस्क्रीट ऑर्बिट होता है और वहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते तो ये सारी बातें हमें पता होंगे तो इनके आंसर को बनाना आपके लिए आसान होगा बच्चों तीनों मॉडल के बारे में आपको पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो इस प्रश्न में हमें रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन बतानी है तो लिमिटेशन क्या होती है चलिए इसे जान लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर रदर का जो मॉडल है उसकी लिमिटेशन आपको समझा दी है फोर्ड के अकॉर्डिंग जो मौ, जो मॉडल था उनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ठीक है और फिर आगे ये प्रश्न बनता है कि जब वो रिवॉल्व करेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो एक्सलरेट भी होंगे और उन एनर्जी रेडिएट करेंगे एनर्जी के रेडिएशन से एनर्जी वो लूज करेंगे और जब लूज करेंगे एनर्जी तो फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर सकते हैं और न्यूक्लियस में जब गिर जाएंगे वो तो एटम को डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए जबकि जब, जब हमें पता है कि एटम क्वाइट स्टेबल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता तो यही उनका जो रदरफोर्ड का मॉडल का लिमिटेशन था बच्चों अब हमारे पास अगला प्रश्न है डिस्क्राइब बोर्स मॉडल ऑफ द एटम अब बोर का मॉडल क्या था उन्होंने बताया था बच्चों ओनली सर्टेन ऑर्बिट एज डिट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इन साइड द एटम इलेक्ट्रॉन डो नॉट रेडिएट एनर्जी तो आपके पास में स्क्रीन पर है रजर फोर्ड का बात जो है बोर के मॉडल के बारे में जैसे कि आपको बोर ने बताया था कि केवल सर्टेन ऑर्बिट सर्टेन ऑर्बिट जिन्हें हम डिस्क्रिट ऑर्बिट कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वही अलाउड है मैटम के अंदर ठीक है पहला पॉइंट तो बोर ने यह बताया था और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं डिस्क्रिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो ये अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करते डो नॉट रेडिएट एनर्जी तो ये बोर के मॉडल के दो पॉइंट थे बच्चों जो रदरफोर्ड से डिफरेंट हो जाते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अब हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें कंपेयर करना है सभी मॉडल्स जो एटम के प्रपोज किए थे जैसे थॉमसन ने किया था फिर रदरफोर्ड ने किया और फिर उसके बाद बोर का मॉडल आया तो इन्हीं तीन मॉडल्स को हमें कंपेयर करना है इस क्वेश्चन में ठीक है तो मैं इन तीन मॉडल्स को एक एक करके स्क्रीन पर आपके सामने लेकर आता हूं चलिए सबसे पहले आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपके पास है जो थॉमसन का मॉडल था उसके बारे में ठीक है थॉमसन ने क्या बताया था थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज फेयर का बना होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें इम्पेड होते हैं ठीक है ये थॉमसन का पॉइंट था थॉमसन का पॉइंट था एटम जो है वो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर का बना होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर इम्बैटेड होते हैं और दूसरा पॉइंट यह था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है इसलिए एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ये अलग बात है कि इसको हम प्रूफ नहीं कर पाए थे मॉडल के जरिए तो ये थॉमसन का जो मॉडल था उस, उसके बारे में जाना अब चलिए रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में जान लेते हैं तो रदर ने अपने मॉडल में क्या बताया था उन्होंने कहा था पहले पॉइंट में कि देयर इज पॉजिटिवली चार्ज फेयर ठीक है एक पॉजिटिव चार्ज इज फेयर होता है सेंटर में एटम के जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा था इसलिए इनके मॉडल को न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं बच्चों और उसमें इन्होंने कहा था नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम मासाइड इन द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही लगभग लगभग पूरा मास होता है यानी उनको आइडिया लग गया था कि मास पूरा न्यूक्लियस के अंदर ही होगा क्योंकि उसमें बारह हजार में से एक पार्टिकल जो रिटर्न आ रहा था वो उनको आइडिया दे रहा था मास के बारे में दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर सर्कुलर पाथ तो इलेक्ट्रॉन जो है बाद में थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी आई थी रेडिएशन को लेकर जिसमें हम ड्रॉबैक में डिस्कस कर चुके हैं फिर उन्होंने तीसरी बात बताई थी साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम एटम के साइज के कंपेरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है क्योंकि जो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है वो एटम के रेडियस का एक लाख से भी कम टाइम्स छोटा होता है बच्चों तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं बोर के मॉडल को बोर ने अपने मॉडल में बताया था बच्चों ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इन साइड दैट ठीक है केवल कुछ ही ऑर्बिट हो सकते हैं एटम के अंदर जिसे डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं ये पहला पॉइंट था फिर दूसरे पॉइंट पे उन्होंने ये कहा कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रिट ऑर्बिट जब ये इलेक्ट्रॉन डिस्क्रिट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं तो ये तीनों मॉडल हो गए जो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं अब हमारे पास में नेक्स्ट सिक्स प्रश्न है समराइज द रूल फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स ऑफ द फर्स्ट एटीन एलिमेंट यानी पहले जो एटीन एलिमेंट है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन के जो रूल्स हैं वो क्या क्या होते हैं आइए उसे भी समझा देते हैं तो रूल्स के पहला पॉइंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी सेल के अंदर वो टू एन स्क्वायर के फॉर्मूले से मालूम किए जा सकते हैं जहां एन होता है नंबर ऑफ सेल जैसा कि मतलब अगर एन वन है यानी पहला सेल है तो उसमें टू और एन का स्क्वायर यानी टू आ जाएगा ये अगर दूसरा सेल है तो ये टू का स्क्वायर फोर टू जो एट हो जाएगा और अगर तीसरे सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मालूम करने हो तो थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन टू एटीन तो इस तरह से हम पहले वाले पॉइंट को समझते हैं दूसरे में बताया है कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर मोस्ट सेल में हो सकते हैं वो आठ हो सकते हैं इसे हम ऑक्टेट का नियम भी कहते हैं और तीसरा रूल में ये बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो अंदर से स्टार्ट होती है ठीक है ना पहले जो है अंदर वाले सेल फिल हो जाएंगे उसके बाद बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ठीक है तो ये तीनों रोल्स थे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के पहले 18 एलिमेंट्स का बच्चों तो इन दोनों प्रश्नों को मैंने आपको समझा दिया है फाइव और सिक्स अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है सेवंथ प्रश्न है वैलेंसी को डिफाइन करना बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ सिलिकन एंड ऑक्सीजन देखिए सिलिकन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 होता है अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 2, 8, 10 और 4, 14। तो इसकी जो वैलेंसी है वो फोर होगी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर है तो ये फोर इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन वो फोर दे भी सकता है तो इसकी वैलेंसी सिलिकन की वैलेंसी फोर हो गई ठीक है और वैलेंसी क्या होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ठीक है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और यहाँ पर कंबाइनिंग एसिड मतलब होता है कि जो एटम है वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है यानी ये चार खोकर इधर ऑक्टेट इसका आठ हो जाएगा आउटर सेल में ठीक है या चार और ले लेता है अगर वो तो इसके आउटर सेल में आठ हो जाएंगे हर इलेक्ट्रॉन हर एटम जो है वो आठ पूरा करना चाहते हैं अगर उनका पहला सेल पहला नहीं है मतलब कोई और दूसरा तीसरा या कोई भी है तो वो अपने उसमें आठ इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं आउटर सेल में ठीक है हीलियम का एग्जाम्पल कहेंगे तो उसे फर्स्ट सेल में ये दो होता है और वो कंप्लीट होता है ठीक है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आठ है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दो और छ हो जाएगा तो ये छह है तो यानी दो और चाहता है ये जब इसे दो और मिल जाएंगे तो ये पूरा आठ हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी दो हो जाएगी तो ऑक्सीजन की वैलेंसी दो और सिलिकन की चार ठीक है तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है मास नंबर क्या होता है आइसोटॉप्स क्या होते हैं आइसो बार्स क्या होते हैं और इन सबका एग्जाम्पल भी देना है साथ में दो यूजेस भी बताने हैं आइसोटॉप के तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो टोटल नंबर होता है प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसे हम मास नंबर कहते हैं और आइसोटॉप्स क्या होते हैं एक ही एलिमेंट के दो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग होता है जैसे कार्बन का सिक्स एटॉमिक नंबर है मास नंबर ट्वेल्व और कार्बन दूसरे का सिक्स है और मास नंबर फोर्टीन है तो इसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं इसी तरह आपका आ, प्रोटियम या ड्यूटीरियम का भी एग्जाम्पल है ट्रेटियम का आइसोटॉप्स में और क्लोरीन थर्टी फाइव और क्लोरीन थर्टी सेवन का भी एग्जाम्पल है आइसोबार क्या होते हैं इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है मास नंबर सेम होता है जैसे आर्गन है आर्गन का एटॉमिक नंबर एटीन है मास नंबर फोर्टी है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर ट्वेंटी है और मास नंबर फोर्टी है तो यहाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है इसे हम आइसोबार कहते हैं पीछे वीडियो में आपको अच्छे से बताया हुआ है और गिव एन इट टू यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स आइसोटॉप में यूरेनियम के एक आइसोटॉप का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ठीक है फ्यूल के रूप में होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में और जो आयोडीन का आइसोटॉप होता है वो गोइटर के ट्रीटमेंट में होता है आयोडीन के आइसोटॉप का इस्तेमाल के ट्रीटमेंट में होता है इसी तरह से कोबाल्ट के एक आइसोटॉप का इस्तेमाल कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है तो ये आइसोटॉप के यूजेस हैं जो आपको मालूम होने चाहिए बच्चों तो इस प्रश्न को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अब मैं इसी बात को स्क्रीन पर आपके लेके आता हूं तो यहां पर एटॉमिक आट, नंबर की डेफिनेशन या उसके बारे में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं और उसे जो होता है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं मास नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है ठीक है ये दो बातें हो गई आइसोटॉप्स और आइसोबार के बारे में भी आपको बताते हैं ये आपके स्क्रीन पर आइसोटॉप्स के बारे में है आइसोटॉप्स क्या होते हैं ये यहां बताया हुआ है कि आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज एटम ऑफ सेम एलिमेंट है ना एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटोमिक नंबर ठीक है सेम एटोमिक नंबर होता है और बट डिफरेंट मास नंबर जैसे एग्जाम्पल में यहां कार्बन का दिखा रखा है 16 कार्बन 12 और फोर्टीन और ये तीन आइसोटॉप है हाइड्रोजन के प्रोटियम ड्यूटीरियम और ट्रेटियम इन सबका एटोमिन नंबर वन 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 है और मास नंबर वन टू थ्री है इस तरह क्लोरिन के आइसोटॉप क्लोरन थर्टी फाइव और क्लोरिन थर्टी सेवन है जिनके मास नंबर दोनों के सेम है सेवनटीन सेवनटीन और इनका जो आट, मास सॉरी एटोमी नंबर सेम है सेवनटीन सेवनटीन और मास नंबर थर्टी फाइव और थर्टी सेवन है ठीक है और आइसोबार क्या होते हैं वो भी जान लीजिए उससे पहले आप यहां पर देख लीजिए एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप तो आइसोटॉप की जो एप्लीकेशन है पहला एप्लीकेशन है ये रहा आइसोटॉप यूरेनियम का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और आइसोटॉप जो कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में और जो आयोडीन का इस्तेमाल होता है वो गोयटर के ट्रीटमेंट में होता है तो अब चलिए आइसोबार के बारे में जानते हैं आइसोबार क्या होते हैं बच्चों यहां बताया हुआ है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे बट उनका जो मास नंबर होगा वो सेम होगा उन्हें हम आइसोबार कहते हैं आर्गन और कैल्शियम ये इसके दोनों के मास नंबर फोर्टी फोर्टी इन्हें हम आइसो बार्स कहते हैं इनका एटोमिक नंबर डिफरेंट है तो ये दोनों प्रश्न क्लियर हो गए आपके सेवंथ और एट अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर है प्रश्न नाइन में सोडियम प्लस यानी सोडियम का ये आयन है हैज कंप्लीटली फिल्ड विद के एन एल सेल एक्सप्लेन इसका के और एल सेल कंप्लीटली फिल्ड है इसको एक्सप्लेन करना है बच्चों देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना सोडियम

दो है और एल सेल में आठ है और इसका जो नेक्स्ट सेल था एल के बाद एम वाला वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को डोनेट कर चुका है इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है यानी पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि प्लस का एक चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है ठीक है ये लूज कर चुका है इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया क्यों पॉजिटिव चार्ज हुआ जरा इसको जानो इसका एटोमिक नंबर होता है इलेवन तो प्रोटॉन्स तो इसमें इलेवन है और इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें जो है वो दस है क्योंकि एक दो जगह है तो एक प्लस का चार्ज एक्स्ट्रा हो रहा है इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गया बच्चों ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन बराबर बराबर होते तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है ठीक है आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ को करते हैं यहां पर ब्रोमीन के बारे में दिया हुआ है कि ब्रोमीन जो है इसके दो आइसोटोप है एक सेवेंटी है और एक एटी है और ये आइसोटॉप का हमें एवरेज मास कैलकुलेट करना है जो कि नेचर में 49.7 परसेंट है और एक है 50.3 परसेंट है तो चलिए इसकी कैलकुलेशन को करते हैं हमें इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है बच्चों तो ये हमें इसका जो मास दिया हुआ है हमारे पास में सेवेंटी नाइन पहले का दिया हुआ है तो सेवेंटी नाइन का हमें लेना होगा एवरेज एटॉमिक मास लिखना चाहिए पहले हमें एवरेज एटॉमिक मास ठीक है तो ये आपका सेवेंटी नाइन का फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है और प्लस करना होगा एटी वन का फिफ्टी पॉइंट थ्री परसेंट ये जो है 79 नाइन इंटू फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन अपॉन हंड्रेड हो जाएगा और ये एटी वन इंटू फिफ्टी पॉइंट थ्री अपॉन हंड्रेड हो जाएगा ठीक है तो इनका जो कैलकुलेशन करके दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा इन दोनों का सेवेंटी नाइन और फोर्टी नाइन पॉइंट सेवन का थ्री नाइन टू सिक्स पॉइंट थ्री अपॉन में हंड्रेड हो गया ये आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा फोर जीरो सेवन फोर पॉइंट थ्री अपॉन हंड्रेड आएगा ठीक है अब इसका जो सम करेंगे हम तो ये एट जीरो 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 0, सिक्स 0 आएगा अपॉन में हंड्रेड और इसको हम जब हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो एट्टी पॉइंट एटॉमिक मास पॉइंट जीरो सिक्स यानी एट्टी आप कह सकते हो इसका एवरेज एटॉमिक मास इस तरह से क्वेश्चन नंबर टेन भी कंप्लीट हो गया बच्चों बच्चों एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें जो भी क्वेश्चन में हमारे पास में दोनों एलिमेंट उस एलिमेंट के जो भी एटम्स का दिया होता है परसेंट या रेशियो अगर रेशियो दिया हुआ है तो पहले परसेंट निकाल लो जैसे यहाँ दिया हुआ था और उनका जो ये मास दिया होता है ऊपर की तरफ मास नंबर एक तरह से उनका एवरेज उतना ही परसेंट जितना दिया हुआ उतना परसेंट निकाल के उनको प्लस करना पड़ता है ठीक है अगर रेशियो दिया होगा तो उसको पहले परसेंट में चेंज करो और फिर उसके बाद उस वैल्यू का परसेंट निकाल जैसे सेवेंटी का इतना परसेंट निकाल लिया आपने फिफ्टी पॉइंट का परसेंट निकाल लिया और उनको प्लस कर दिया उससे एवरेज एटोमिक मास आ जाता है ऐसा ही आपके साइज में एक चैप्टर में क्लोरीन के दिया हुआ है क्लोरीन के जो 35 और क्लोरीन जो है 37 है ना क्लोरीन का 35 और क्लोरीन का 37 जो एटम है उनका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करके दिया हुआ थर्टी फाइव पॉइंट यू तो उसमें भी इसका 75 परसेंट लिया है ठीक है वो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया नहीं है इसलिए यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं और थर्टी uh, सेवन का ट्वेंटी फाइव परसेंट कैलकुलेट करना था ठीक है और फिर वो जो है जो वैल्यू आएगी वो आपको एवरेज ऑटोमिक मास दे देगी किसका ये थर्टी फाइव पॉइंट फाइव क्लोरिन का ठीक है तो चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस प्रश्न में हमें एवरेज एटॉमिक मास दो सैंपल है मतलब एक सैंपल है एक्स एक्स मतलब हमें मालूम नहीं है कि एक्स कौन सा एलिमेंट है तो इसका एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 16.2 और इसका जो एसोटॉप है वो ये 16 और 18 के फॉर्म में पाया जाता है तो इसके हमें वो बताना है कि ये नेचर में कितने कितने परसेंट में है ठीक है तो हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन से ही यूज करना है एवरेज एटोमिक एवरेज एटोमिक मास इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं कि एक्स वाला जो है नेचर में ए परसेंट है हंड्रेड माइनस ए परसेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों को मिला के टोटल बन रहा है ना तो एक को ए परसेंट मान लिया तो एक हंड्रेड माइनस ए मैंने नहीं क्योंकि सिंबल ही के रूप में दिया हुआ बच्चों तो 16 का ए परसेंट प्लस एटीन का हंड्रेड माइनस ए परसेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू तो है सिक्सटीन पॉइंट टू के ठीक है तो यहां पर हम हंड्रेड को यहां सिक्सटीन ए और 18 को हंड्रेड से माइनस एटीन ए हो जाएगा, जाएगा अपॉन में ओवरऑल 100 आ जाएगा एलसीएम लेकर तो इस 100 का इसे इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1620 ठीक है 100 से मल्टीप्लाई करने पर और ये आएगा 16 में से 18 माइनस के माइनस टू ए और प्लस एटीन हंड्रेड तो अब हम एटीन हंड्रेड को इधर माइनस करेंगे सिक्सटीन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस एटीन हंड्रेड इज़ इक्वल टू माइनस टू ए तो ये माइनस में कितना आएगा वन एटी और ये अपॉन में माइनस में टू तो माइनस से माइनस कैंसिल ये नाइनटी तो ए की वैल्यू नाइनटी नाइन्टी नाइनटी परसेंट है नेचर में ये वाला नाइनटी परसेंट है सिक्सटीन वाला और एटीन वाला टेन परसेंट हो गया बच्चों नेचर में ठीक है तो ये आंसर आ गया टेन परसेंट और नाइनटी परसेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, है? है इफ तो uh, तो तो दो और दूसरे में एक तो वैलेंसी इसकी एक हो जाएगी बच्चों और ऑल्सो नेम द एलिमेंट ये एलिमेंट जो है लिथियम है ठीक है एल आईसी से डिनोट करते हैं लिथियम है ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां हमारे पास प्रश्न में आ, दो एल न्यू एटोमिक स्पीसीज एक्स और वाई का ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर दिए हुए हैं और हमें बताना है जैसे मास नंबर एक्स और वाई का और इनके बीच में रिलेशन तो मास नंबर में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है तो ये मास इसका ट्वेल्व हो जाएगा मास नंबर और इनका मास नंबर फोर्टीन हो जाएगा इन दोनों का प्रोटोन सेम है मतलब इसका एटोमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो ये रिलेशन क्या है ये आइसोटॉप्स है ये आइसोटॉप्स हैं।, हैं और ये कार्बन के आइसोटॉप्स हैं क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप में एटोमिक नंबर दोनों का सिक्स होता है और एक का मास नंबर ट्वेल्व होता है और दूसरे का फोर्टीन होता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी कंप्लीट हुआ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस प्रश्न में बच्चों हमें बताना है ट्रू या फॉल्स थॉमसन प्रपोज दैट दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन ऑन ए ये तो उन्होंने बिल्कुल कुछ बताया नहीं था न्यूक्लियस के बारे में थॉमसन ने कोई जिक्र नहीं किया था बच्चों ये फॉल्स है और न्यूट्रॉन इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटोन से बनता है ये भी गलत है न्यूट्रॉन तो एक अलग ही एंटिटी होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रल होता है तो ये भी फॉल्स है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट होता है अपॉन टाइम्स द मास हाँ ये ट्रू है ये ई गोल्ड स्टन ने बताया था और मतलब प्रोटोन का जो खोज की थी ई थीडस्टन ने की थी और आइसट आयोडीन यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन ना ना ये गलत है

उसके बाद में आइस्टोटॉफ एन एलिमेंट का क्या होगा आइसोटॉप एलिमेंट के डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है ठीक है उनमें जो बात सही है वो ये है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उनके मास नंबर डिफरेंट हो जाते हैं ठीक है थीके? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊ कार्बन ट्वेल्व है और कार्बन फोर्टीन है तो दोनों में प्रोटोन सेम है ठीक है इनकी जो कॉन्फिग्रेशन है वो भी सेम ही रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन टू फोर टू फोर यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी बट ये जो इसमें न्यूट्रॉन होगा वो छ होगा प्रोटॉन भी छ होगा और इसमें जो न्यूट्रॉन होगा वो आठ होगा और प्रोटॉन छ होगा ये डिफरेंस होता है बच्चों हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन यानी ये आयन बन चुका है यानी एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले चुका है तो हम जानते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर सेवनटीन था तो टू एट और सेवन था अब इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया यानी एक में प्लस में एक और आ गया तो अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आठ है इसके आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो आठ होंगे क्योंकि ये आयन है एटम होता है तो सात होती है इलेक्ट्रॉनिक सोडियम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक बच्चों ये होता है इलेवन एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का तो पहले ऑर्बिट में दो दूसरे में आठ और तीसरे में एक होता है राइट ऑप्शन डी हो गया नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है इस टेबल को बच्चों देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है नौ तो इसका मतलब मास और न्यूट्रॉन दिया हुआ है दस तो मास नंबर ये जो नंबर अटोमिक नंबर होता है ना ये प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स हैं तो इन दोनों को प्लस करके आता है मास नंबर यानी नाइनटीन हो जाएगा मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटोन जो एटोमिक नंबर होता है वही होता है इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं और द नेम ऑफ एटोमिक स्पेसीज तो ये स्पेसीज नौ नंबर पे कौन है हम ये बताना फ्लोरीन है बच्चों ठीक है जिसका एटॉमिक नंबर है वो फ्लोरिन है इसका सिंबल एफ होता है फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर एटोमी नंबर दिया हुआ है यहां पर जो एटोमी नंबर है इससे हमें सल्फर तो लिखा ही है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मास नंबर है इसका मतलब इस न्यूट्रॉन भी सिक्सटी ही है और प्रोटोन भी सिक्सटी ही है और इलेक्ट्रॉन भी सिक्सटी होंगे जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटोन होते हैं केवल न्यूट्रॉन चेंज होता है और न्यूट्रॉन और प्रोटोन को प्लस करके मास नंबर आता है अब यहाँ पे मास नंबर दे रखा है इसका ट्वेंटी फोर प्रोटॉन दे रखे हैं ट्वेल्व तो भाई न्यूट्रॉन भी ट्वेल्व होंगे क्योंकि ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर ठीक है और एटॉमिक नंबर नंबर भी 12 होगा ऑफ प्रोटॉन से ही एटॉमिक नंबर आता है बच्चों इलेक्ट्रॉन भी ट्वेल्व होंगे और ये मैग्नीशियम है ठीक है एम जी सिंबल है क्योंकि यहां पर हमारे पास जैसा दिखाई दे रहा है प्रोटोन का नंबर एक है ठीक है तो एटोमिक नंबर भी एक होगा मास नंबर दो है इसका मतलब है कि एक न्यूट्रॉन हो गया इलेक्ट्रॉन भी जितने प्रोटोन होते हैं उतने रहते हैं और ये एटोमिक नंबर एक जिसका है वो हाइड्रोजन है बच्चों हीलियम नहीं है और फाइनली ये हाइड्रोजन का एक तरह से आइसोटॉप है बच्चों क्योंकि उसमें एक जगह एक होता है एक जगह दो होता है एक जगह तीन होता है अब अगला है मास नंबर एक है न्यूट्रॉन जीरो है प्रोटॉन एक है प्रोटॉन एक है तो मास नंबर भी एक ही होगा और सबसे बड़ी बात है ये भी हाइड्रोजन ही है क्योंकि ये हाइड्रोजन के हम जानते हैं हमारे चैप्टर में आया था एक वन वाला हाइड्रोजन आया था एटोमिक मास नंबर एक दो वाला है और एक तीन वाला है ठीक है इसे प्रोटियम कहते हैं इसे ड्यूटीरियम कहते हैं और इसे ट्रीटियम कहते हैं तीनों में एटोमिक नंबर सेम रहता है वन 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 और जो मास नंबर है वन टू और थ्री तो ये जो है प्रोटियम वाला है क्योंकि इसका मास नंबर वन है तो ये प्रोटियम है इसका मास नंबर टू है तो ये ड्यूटीरियम है और अगर मास नंबर थ्री आता है तो हाइड्रोजन का तीसरा एसिटॉप ट्रिटियम ट्र, 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 होता है तो इस तरह से बच्चों हमने आपका ये पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट भी अलग वीडियो में दिया है एक्साइज का इंटेक्स का सोल्यूशन इस वीडियो में दिया है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए जय हिंद